जैसी जैसी कोई नई फेम एक्ट्रेस उत्तरा बावकर का निधन हो गया है। लंबे वक्त से वो बीमार थी, वो 79 साल की थी और काफी वक्त से वो बीमार चल रही थी। पिछले एक साल से वो बीमारी से जूझ रही थी। अपनी बीमारी से लड़ाई के बाद उन्होंने पुणे के एक हॉस्पिटल में मंगलवार को आखिरी सांस ली, यानी कि 11 अप्रैल को आखिरी सांस ली। बुधवार 12 अप्रैल को उनका अंतिम संस्कार किया गया था। आपको बता दें, जानकारी एक्ट्रेस के परिवार से जुड़े सूत्रों ने दी है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उत्तरा बावकर ने एक्टिंग की बारीकियों को बखूबी सीखा। थिएटर के कई बढ़िया नाटकों में उन्होंने काम किया। इसमें मुख्यमंत्री, मीना गुर्जरी, शेक्सपियर का लिखा ओथेलो और गिरीश कर्नाड का लिखा तुगलक शामिल है। इन सभी नाटकों में अपने अभिनय से उत्तरा ने एक्टिंग टैलेंट का लोहा मनवाया था। थिएटर में अपने बेहतरीन काम के लिए उन्हें 1984 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया गया। वेल, फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें पहचान डायरेक्टर गोविंद निहलानी की फिल्म तमस ने दिलाई। इसके बाद आई डायरेक्टर मृणाल सिंह की फिल्म एक दिन अचानक में, जिसमें उत्तरा बावकर को एक्ट्रेस शबाना आजमी के साथ देखा गया था। उनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त थी और जबरदस्त सराहना हुई थी उनकी इस परफॉर्मेंस की। फिल्म में अपने काम के लिए उत्तरा ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड अपने नाम किया। अपने करियर में उत्तरा बावकर ने श्याम बेनेगल और मृणाल सिंह जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया। उन्हें सरदारी बेगम, कोरा कागज, आजा नचले, हमको दीवाना कर गए जैसे बहुत सारी फिल्मों में भी देखा गया। हिंदी के अलावा उन्हें मराठी सिनेमा में भी देखा गया। फिल्म दोधी, वास्तु पुरुष के अलावा कई सारी फिल्मों का वो हिस्सा रही। माधुरी दीक्षित स्टार फिल्म आजा नचले में उत्तरा ने उनकी माँ का रोल किया। टीवी इंडस्ट्री में भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया। जस्सी की दादी का रोल निभाया, जो कि बहुत ही शानदार था। जी हाँ, टीवी इंडस्ट्री में उत्तरा बावकर ने 90 के दशक में एंट्री की थी। उनका पहला शो उड़ान रहा। इसके अलावा उन्होंने अंतराल, नजराना, जस्सी जैसी कोई नहीं, कश्मकश, जिंदगी की, जब हुआ प्यार और भी बहुत सारे सीरियल्स में काम किया। जस्सी जैसी कोई नहीं टीवी शो में उन्हें मोना सिंह के किरदार जस्सी की दादी के रोल में देखा गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। नेशनल विनिंग डायरेक्टर ने उत्तरा बावकर के निधन के बाद उन्हें याद किया। डायरेक्टर के साथ उन्होंने 8 फिल्मों में काम किया। उन्होंने कहा कि उत्तरा बावकर ने उनकी फिल्मों में कई तरह के बढ़िया रोल्स को निभाया था। फिल्मों के सेट्स पर वो काफ़ी गंभीर रहा करती थी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।